कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नोली 10.1 अध्याय 10 सरल रेखाएं। कार्तीय तल में चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, -7, -5, -5 और -4, -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने क्या बनाई, एक्स अक्ष बनाई और खड़ी रेखा कौन सी बनाई, वाई अक्ष बनाई। इसमें इन बिंदुओं को हम दर्शा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इन बिंदुओं को हम दर्शा रहे हैं। तो हमने ये बिंदु बनाया मान लो ए, और इस बिंदु के निर्देशांक ध्यान दीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, -4, 1, 2, 3, 4, 5, -4, -5 ये बिंदु लिखा अपन ने, -4 और 5, -4 और 5। इस बिंदु को अपन ने कहा बिंदु ए। पुनः ध्यान से देखिए दूसरा बिंदु है 0, 7, अपन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस दूसरे बिंदु को बी नाम देते हैं और इसके निर्देशांक होंगे 0 और 7। तीसरा बिंदु है 5, -5, इसको अपन ने ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये है, इसकी सीधियाँ आ रही 1, 2, 3, 4, 5, -5 यहाँ है, तो ये बिंदु हो गया सी, जिसको अपन ने क्या कहा 5, -5। बिंदु हमारे पास क्या था, 5, -5, ये पहला 5 धनात्मक। फिर डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु हमारे पास -4, -2, तो हमने इसको ग्राफ पर बना तो लिया है। अब हम इससे क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको हल में लिखे, ये अपने पास यहीं से हल शुरू हो गया। क्या लिखेंगे कि चित्र में यदि ध्यान से देखें तो चतुर्भुज के हमने क्या बनाए, शीर्ष ई को नाम दिया है, -4, -5 को, ठीक है। बी बिंदु 0, 7 को प्रदर्शित करता है, कौन सा बिंदु, सी बिंदु -5, -5 को प्रदर्शित करता है, तथा डी बिंदु किसे, -4, -2 को प्रदर्शित करता है। अब हमको क्या दिए हुए शीर्षों से, जो दिए हुए शीर्ष है, दिए हुए शीर्षों से काय का चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दिए हुए शीर्षों से चतुर्भुज का हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। दिए हुए शीर्षों से यदि हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए जो फार्मूला है कुछ इस प्रकार से, बराबरी से 1/2 सारणिक का साइन बनाते, यहाँ क्या लिखा अपन ने, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x4 y1, और पुनः यहाँ पर x1 y1, इसका हम सहारा लेंगे तो क्या होगा, ये देखो 1/2 हमारे पास ये मान क्या थे, तो x1 y1 हमारे पास था -4, -5, x2 y2 0, 7, x3 y3 5, -5, x4 y4 -4, -2, x1 y1 पुनः वही मान, पहला मान फिर से रिपीट होगा, कौन सा, -4, -5। इसका हल देखिए किस प्रकार से, इसका हल हम कुछ इस ढंग से करेंगे, 1/2। अब निरपेक्ष मान की लाइन खींचते हैं, क्या करें, 7 का -4 गुना -28, दूसरे विकर्ण के सापेक्ष ऋण का साइन, 0, 5, 6,
शून्य। पुनः ऋण पांच का शून्य से गुणा, शून्य पाना साता 35। दूसरे विकर्ण के सापेक्ष कौन सा? ऋण का साइन। अगला मान ऋण दो पंचे 10, ऋण चार ऋण पांच, लेकिन एक और ऋण आ जाएगा तो ये फिर से ऋण 20। पांचों के ऋण 20, ऋण चार ऋण दो, लेकिन एक और ऋण चिन्ह आएगा तो ये वापिस ऋण। इसका हल हम देखेंगे, तो इसका हल जब हम करते तो सब पदों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 8 21 के एक, हासिल के दो, 2 2 4 2 6 7 3 10 और 2 12। क्या माना जाएगा? 1/2 निरपेक्ष मान के अंदर आ गया, कितना? ऋण 121। हम जानते निरपेक्ष मान के अंदर कोई भी पद ऋणात्मक नहीं हो सकता, अगली ही स्टेप में ये ऋण से काहे में धन में परिवर्तित हो जाएगा। 1/2 121, या इसको हम लिखना चाहे 121/2 या भाग दे के भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इस चतुर्भुज का क्या आ गया? क्षेत्रफल, 121 वर्ग इकाई। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।